नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले आप लोग के रेलवे की, आप लोग के जो पैसा का रिफंड होना था, आप लोग का जो फर्स्ट स्टेज के बाद आप लोग का CBT 1 आज आप लोग का खत्म हो चुका है। काफ़ी मौका दी थी रेलवे आप लोग को, जो बैंक का अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड, उसके बैंक अकाउंट नंबर, आप लोग का कौन सा बैंक, कौन सा ब्रांच है, ये सब के डिटेल्स आप लोगों को काफ़ी काफ़ी मौका दी, 3 से 4 मौका दी, स्टार्टिंग में भी आप लोग को मौका दी। तो काफ़ी बार आप लोग को मौका दी तो आपने सुधार लिया ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन रेलवे की तरफ से ये रिप्लाई आ रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है, जो बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, उसमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ इसलिए प्रॉब्लम के कारण जो है रेलवे रिफंड नहीं कर पा रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को रिफंड आ चुका है मेरे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है, एक रिप्लाई किया है कि मेरे रिफंड आ चुके हैं, और किसी के रिफंड अगर नहीं आए हैं तो उनको क्या करना होगा, क्या रेलवे एक और मौका देगी, या फिर उनका रिफंड रिफंड का जो पैसा है वो किसके खाते में चले जाएगा, या क्या होगा। इस वीडियो में सबको आपको क्लियर होने वाला है कि आप लोगों को क्या करना होगा आगे, कि अगर आप लोग का रिफंड नहीं हुआ है तो आप लोगों को कब पता चलेगा कि आप लोग का रिफंड हुआ नहीं है, और आप लोग का बैंक ब्रांच का डिटेल्स वो गलत है, ये कब रेलवे आप लोग को बताएगी, ये सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और इसमें आप लोग को जो पता चल रहा है उसको जरूर आप लोग नोट कीजिएगा कि आप लोग को क्या करना होगा रिफंड के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो आप लोग का नोटिस आया हुआ है 12 दिसंबर को, आप लोग को जो नोटिस, मतलब कल दिसंबर को जो, कल जो आप लोग का जो नोटिस आया हुआ उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रेलवे का आप लोग ऑफिशियल साइट में पड़ी हुई है ये वाला जो आप लोग का नोटिफिकेशन है। तो इसमें इसने रेलवे ने ये कहा है कि आप लोग का जो रिफंड का जो एग्जामिनेशन का फीस है, वो रिफंड करने का आप लोग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद ये कहा है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो अकाउंट नंबर डिटेल्स है, ये सारा सारा कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके कारण जो है, उनका डिटेल्स के कारण उनका जो रिफंड है वो हो नहीं पा रहा है। अगला जो आप लोग का जो है 17 ऑफ दिसंबर, 17 ऑफ दिसंबर को आप लोग को एक मैसेज करके बता दिया जाएगा, या तो मेल किया जाएगा या तो मोबाइल में मैसेज किया जाएगा, या तो दोनों किया जाएगा। आप लोग को कुछ ना कुछ करके इंटीमेट किया जाएगा कि आप लोग का जो बैंक ब्रांच डिटेल्स है वो गलत है, या तो IFSC कोड आप लोग सुधारिए, या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स आप लोग चेक कीजिए। तो ये सारा कुछ आप लोग को चेक करना होगा, और ये आप लोग को मैसेज आएगा 17 ऑफ दिसंबर। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, 17 ऑफ दिसंबर को आप लोग को आने का है मैसेज। तो ये आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूँ, 17 ऑफ दिसंबर ये वाला डेट को आप लोग नोट कर लीजिए, 17 ऑफ दिसंबर, 17 ऑफ दिसंबर को नोट कर लीजिए। ये आप लोग का जो लिंक, ये जो डेट है आप लोग का वापस होगा, आप लोग का जो एक मैसेज आएगा कि आप लोग का जो डिटेल्स है वो गलत है, आप लोग उसको सुधारिए। उसके बाद सुधारने के लिए तो बोल देगा, फिर लिंक कब एक्टिवेट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिंक आप लोग का एक आखिरी बार एक एक्टिवेट होगा कि उसमें आप लोग का लिंक में आप लोग को जाना है, उस लिंक में आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और एक कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन नंबर का आप लोग रहेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद एक कैप्चा कोड रहेगा, कैप्चा कोड डालना है। ये तीनों को डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे, फिर आप लोग को जो ब्रांच जो आप लोग का बैंक डिटेल्स है उसको फिल करने के लिए आप लोग का जो डेट है वो है 18 दिसंबर से 25 दिसंबर, मतलब लगभग आप लोग को 8 दिन का मौका मिला है आप लोग को। इस 8 दिन में आप लोग को जल्दी से जल्दी करना है, लेट नहीं करना है। 18 से 25 से तो आप 24 को वेट करना है, नहीं करना है 24 तक वेट करके आप लोग को अपना नहीं बर्बाद करना है, 24 तक नहीं करना है आप लोग को। 18 है मतलब 18 19, बस ये 2 दिन में खत्म करना है आपको भाई। मैंने देख लो भाई, रिफंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 400 रुपये वापस आने के हैं, 10 रुपये आप लोग का बैंक चार्ज कटेगा तो कटेगा, लेकिन आपके 390 जो वापस आएंगे उसको लेके आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को बैंक ब्रांच डिटेल सही करना है। तो ये जो आप लोग को डेट दिया हुआ है 18 से 25, तो इसका मीनिंग 18 से 25 नहीं है, 18 और 19 ही मान के चलिए, 18 19 को आप लोग को कर लेना, उसके बाद साइड बिजी हो जाएगी, फिर आप लोग को मौका नहीं मिलेगा, ये आखिरी मौका है। तो मैं सबसे पहले बता दूं आप लोग को, तो ये दो डिटेल आप लोग को, ये दो डेट आप लोग को याद रखें। 17 दिसंबर को जो आप लोग को ये इंटीमेट किया जाएगा कि आप लोग का ब्रांच डिटेल्स गलत है, और 18 से 25 आप लोग को ये टाइम दिया जाएगा कि आप लोग उसको सही कर सकें। उसके बाद आप लोग का जो है, आप लोग का ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, ये रेलवे ने एक लास्ट वार्निंग दिया है कि आप लोग का ये आप लोग का फाइनल अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग का 18 से 25 तक आप लोग को भरना है। तो जिसको भी आप लोग का ये मैसेज आता है 17 तारीख को कि आप लोग का ब्रांच डिटेल्स गलत है, और अगर आप लोग का ऐसे मैसेज आता है कि ब्रांच डिटेल गलत है लेकिन आप लोग का ब्रांच डिटेल सही है, ये भी केस हो सकता है, ब्रांच डिटेल सही होने के बावजूद भी आप लोग को ये मैसेज आया कि आप लोग का ब्रांच डिटेल्स गलत है और आप लोग को रिफंड नहीं हो पा रहा है, तो वो यहाँ पे मैसेज करेंगे, यहाँ पे हम लोग मिलकर हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोग को क्या करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच डिटेल सब कुछ सही है, उसके बाद भी उनको मैसेज आ रहा है कि ब्रांच डिटेल्स गलत है, आप लोग को रिफंड नहीं हो पा रहा है, तो वो मैसेज आप लोग को इसमें कमेंट सेक्शन में डालना है। हम लोग मिल के कुछ हम लोग सोचेंगे कि 17 तारीख के बाद कि हम लोग को क्या स्टेप उठाना चाहिए उन लोग के लिए। उसके बाद आप लोग को, इसके बाद जो है आपको फिर से कोई मौका नहीं दिया जाएगा, 18 से 25 के बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो 17 को जिसको मैसेज आता है तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमारे को मैसेज आया है और हमारे सही में गलत था, तो हम उसको सुधार के करेंगे, और अगर कोई सुधार नहीं हो पा रहा है तो उसको ज़रूर आप लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक हम लोग के मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप लोग को CBT 1 का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, 20 तारीख तक आपको कभी भी आ सकता है। तो आप लोग का ऐसा नहीं है कि 20 को ही आएगा, कभी भी आ सकता है। तो उसको वेट करते रहिएगा और प्रिपरेशन करते रहिएगा। और स्वेटर के जितने भी वीडियोज़ डाला हूँ मैं, उस वीडियोज़ को आप लोग देखिएगा। 1 से 9 वीडियो डाला हुआ हूँ, आगे और वीडियो डालूंगा, अभी मैं उसको रोका हुआ हूँ। और आप लोग को कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसका सारा का सारा आप लोग को आंसर डिटेल में आप लोग को मिलेगा हमारे चैनल में, हमारे वीडियोस में। चलिए तब तक आप लोग धन्यवाद आप लोग का, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करना। धन्यवाद।